अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मंज़र देखें आप। एक बुज़ुर्ग शख्स बरसात में बर्बाद हुए पेड़ों की शाखों को काट रहे हैं। ये बुज़ुर्ग शख्स जो हैं उनको मैंने देखा तो अचानक मेरी नज़र इन पर पड़ी, तो मैंने इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग बरसात में जो मालदार हैं वो अपने खिड़कियों से इस बरसात का लुत्फ़ ज़रूर लिए होंगे, और जो गरीब तबका है उनकी झोपड़ियाँ बर्बाद ज़रूर हुई होंगी। अल्लाह की मसलहत में बेशुमार अलग अलग ज़िंदगी तमाम इंसानों को दी हुई होती है। चलिए, ये जो बुज़ुर्ग हैं मैं समझता हूँ कि ये लकड़ियाँ, और ये भी बता दूँ खुदा की तखलीक में एक और बात भी सामने आती है कि हर ज़र्रा का हम शुक्रगुजार बने, क्योंकि ऐसे गरीब लोगों को ये बर्बाद हुए पेड़ों की टहनियाँ तक अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए काम आ सकती हैं। देखिए, यही है वो जो मुसलसल मेहनत के बाद काटते हुए ये एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो अपने घर ले जाएं और इसे सुखाने के बाद इस्तेमाल में लाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका नाम? नूर अहमद। सर, आप कहाँ रहते हैं आप? गांधीनगर। तो ये बरसात आने के बाद ये जो आप काट रही वो घर ले जाकर क्या करती हैं? रखो, सूखना भागो, बाद में यूज करते हैं। यानी घर के इस्तेमाल के लिए कर रही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी उम्र क्या है सर? जी। सर, तमाम देखने वालों के लिए दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ करें, और ऐसे हर इंसान के लिए दुआ करें जो आज भी ज़िंदगी अपनी मेहनत और मशक्क़त से गुजार रहे हैं। तो सर, न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश है कि आईने को सामने दिखाया जाए और जो लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको आपके रूबरू पेश किया जा सके, ताकि ज़िंदगी का जो ये सच्चाई है वो तमाम को मालूम हो सके। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। ये भी बता दूं कि मैं उदयगिरी का जो पीएनटी क्वार्टर्स है उसके बिल्कुल पीछे से गुजर रहा था, तो अचानक मुझे ये चीज़ सामने आई, मैं ज़रूरी समझा कि नाज़रीन को ये बात तक पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम।